बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनसे जुड़ी कई यादें हैं जो कि बार बार उनकी याद दिलाती हैं। टीवी से बॉलीवुड तक अपने शानदार एक्टिंग का जलवा बिखेरने वाली एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे एक टाइम पर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे एक टाइम पर, लेकिन टाइम ने ऐसी करवट बदली कि दोनों का रिश्ता टूट गया और कुछ ही टाइम के बाद सुशांत इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। हालांकि सुशांत से ब्रेकअप के बाद भी अंकिता के दिल में एक्टर के लिए प्यार मौजूद था। दोनों दोस्ती का रिश्ता शेयर करते थे। यही वजह है कि सुशांत के निधन के करीब 1.5 साल के बाद भी एक्ट्रेस अपने प्यारे दोस्त को भूल नहीं पाई है। हाल ही में अंकिता ने एक इंटरव्यू में उस टाइम को याद किया जब वो पहली बार सुशांत सिंह राजपूत से उनके टीवी शो के दौरान मिली थी। आइए आपको बताते हैं इस बारे में क्या था वो किस्सा जिस वक्त अंकिता और सुशांत की मुलाकात हुई थी। अंकिता ने अपने इंटरव्यू में बताया कि सुशांत के साथ उनकी पहली मुलाकात काफी अजीब थी। सेट पर सुशांत काफी खामोश रहा करते थे, वो अपना काम खुद किया करते थे। उन्हें एक बार प्रोमो शूट के लिए जाना था और वो उन्हें उनके घर से लेने आए थे। वो नीचे इंतजार कर रहे थे जबकि अंकिता ऊपर तैयार हो रही थी। हालांकि उन्होंने सुबह 4 बजे से अपना मेकअप करना शुरू कर दिया था, लेकिन करीब सुबह 6 बजे तक तैयार हुई। सुशांत सिंह राजपूत 5 बजे से उनका वेट कर रहे थे। अंकिता ने आगे बताया कि जब वो नीचे आई तो अपनी माँ के साथ कार की पिछली सीट पर बैठ गई और सो गई। एक्ट्रेस को याद आया कि सुशांत काफी गुस्से में होगा। इसके बाद सुशांत ने ड्राइवर से कार ली और फिर अपना रैश ड्राइविंग करते हुए आगे बढ़े। मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरी माँ ने तब कहा कि उसे गुस्सा आ रहा है। अंकिता के मुताबिक सुशांत को लगा कि उनमें हीरोइन एटीट्यूड है। अंकिता ने बताया कि इस तरह सुशांत से मेरी पहली मुलाकात हुई। जी हाँ दोस्तों, जिस वक्त अंकिता की पहली मुलाकात हुई थी सुशांत के साथ, उस वक्त सुशांत काफी गुस्से में भरे पड़े थे क्योंकि बहुत ज्यादा लेट आई थी अंकिता और उन्होंने सुशांत को काफी वेट कराया था।